जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तप की, तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही। आगे अड़िग रहोगे अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका। और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चाएं कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, वो नाराजगी है? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। ना मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, ना संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया, 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे, मंशा साफ है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछ, मुख्यमंत्री जी से पूछे, मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता, दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है।